बड़वा के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बड़वा के सरकारी अस्पताल में आम लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। टीकाकरण सीनियर सिटीजन व 45 साल से ऊपर के गंभीर बीमारी वालों को पहले किया जाएगा। बड़वा के शासकीय अस्पताल में सोमवार से आम जनता के लिए कोरोना टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। 60 साल से ज़्यादा और 45 साल से अधिक उम्र के गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है। इसके लिए सुबह से ही अस्पताल में टीकाकरण हेतु उम्रदराज महिला पुरुषों का जुटना शुरू हो गया था। शुरुआत में कुछ देर पोर्टल खुलने में समस्याएं जरूर आईं, लेकिन उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर टीकाकरण शुरू कर दिया गया। सबसे पहला टीका गनगौर घाट के प्रताप पिता झाबर 65 वर्षीय को लगाया गया। करीब आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद वे पूरी तरह चुस्त दुरुस्त नजर आए। उन्होंने अपने ही उम्र के अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। सभी जो कोई बीमारी नहीं आया, ये इस कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की जानकारी आपको कहाँ से मिली थी? ये बड़वा सिंह मिली है, किसी फोन करा आपको टीका टीका लगवा दे, मालूम भी पड़ रहा है कि सुई लगनी क्या हो रही। टीका लगा हुआ आपको कितनी देर हो गई? आधा घंटा तो होने लगी क्या होगा सर? क्या किसी तरह की कोई परेशानी आपको? कोई परेशानी, कोई चक्कर नहीं आ रहे, कहीं कुछ नहीं। इसके बाद गनगौर घाट पीली मिट्टी की 76 वर्षीय कलाबाई ने भी कोरोना वैक्सीन के प्रति अफवाहों को दरकिनार करते हुए टीकाकरण कर कोरोना से विजय प्राप्त करने का जज्बा दिखाया। उन्होंने कहा कि लोग डरे नहीं, इससे उन्हें कोई समस्या नहीं हुई, टीकाकरण अवश्य कराएं। डॉक्टर अरुण दोहरे ने कहा कि टीकाकरण शासन से प्राप्त निर्देश अनुसार प्रतिदिन चलेगा, वैक्सीन भी पर्याप्त मात्रा में है। 45 वर्ष से अधिक उम्र के वे लोग जिन्हें गंभीर बीमारी है, वे अपना बीमारी का सर्टिफिकेट एवं दो तरह के पहचान पत्र अवश्य लेकर आएं। आपकी उम्र के लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि टीका लगवाए या नहीं लगवाए, किस तरह प्रेरित करेंगे उनको? इसमें 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले व्यक्ति को टीका लगाया जाएगा एवं 45 साल से लेकर के 60 साल तक के व्यक्ति जिनको गंभीर बीमारियां हैं, जिनके जिनमें शासन के द्वारा लिस्ट दी गई है, उसमें से अगर पूछे तो उन्हें भी ये टीका लगाया जाए। आम लोगों से अपील है कि जो इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं माता के टीके लगवाएं, टीका पूरी तरह सुरक्षित वाले।